बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। इनको विचित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉमन नहीं होती, ये सामान्यता सबको नहीं होती, कुछ लोगों को होती हैं। और इन बीमारियों का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, ये आम तौर पर क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता। किन ग्रहों से संबंध रखती हैं? देखिए, आम तौर पर शरीर में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 धातुएं होती हैं, कफ, वात और पित्त। व्यक्ति का स्वास्थ्य इन्हीं तत्वों पर और इन्हीं धातुओं पर निर्भर करता है। हर तत्व के पीछे कोई ना कोई ग्रह होता है। जैसे पृथ्वी तत्व का मालिक होता है बुध, वायु तत्व का मालिक होता है शनि, इसी तरह से हर धातु के पीछे कोई ना कोई राशि होती है। जैसे कफ जो धातु है उसके पीछे जल की राशियां होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां। तो जब तत्व भी गड़बड़ हो जाए और धातु भी गड़बड़ हो जाए तब शरीर में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं। तत्व ठीक है, धातु गड़बड़ है, आप ठीक हो जाएंगे। तत्व गड़बड़ है, धातु ठीक हो जाती है, तो भी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब दोनों गड़बड़ हो जाती हैं तब बीमारियां विचित्र होती हैं। इन बीमारियों का कारण और निवारण समझ में नहीं आता। अगर बीमारियों का ग्रह आप पहचान लें, किस ग्रह की वजह से या किस राशि की वजह से ये विचित्र बीमारी हो गई है, तब आप इन विचित्र बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। शरीर में गांठ का होना सबसे पहले कैंसर की तरफ इशारा करता है। लोग समझते हैं शरीर में गांठ है, पहले नंबर पे जो दिमाग में ख्याल आता है, विचार आता है, वो ये आता है कि कैंसरस होगा ये। लेकिन ज़्यादातर मामलों में, कम से कम 80% मामले में ये कैंसर नहीं होता। लेकिन गांठ अगर शरीर में है तो ये बढ़ती जाती है और मन में परेशानियां, व्यक्ति को परेशानियां पैदा होती हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे ये गांठें होती हैं कान के आसपास या पीठ के इलाकों में या छाती के आसपास, ऐसी गांठों के होने की संभावना ज़्यादा होती है। ज्योतिष कहता है शरीर में गांठें होती हैं राहु की वजह से और सूर्य की वजह से। सूर्य की वजह से शरीर में विष जम जाता है और राहु की वजह से शरीर से विष नहीं निकल पाता, जिस वजह से ये गांठें पैदा हो जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला उपाय तो ये है कि आप रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट तक बैठिए पीठ करके। सूर्य की रोशनी पीठ की तरफ से ली जाती है। इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए रोज सवेरे, और रविवार के दिन केवल जल और फल ग्रहण करिए, अनाज मत खाइएगा। और अगर शरीर में गांठें हैं तो फास्ट फूड और तेल मसालेदार भोजन खाना बंद कर दें, क्योंकि ये राहु से संबंध रखते हैं। अगर राहु प्रबल होगा तो आपकी गांठ ठीक नहीं होगी। शरीर में अगर दाग धब्बे हों तो कारण क्या है? देखिए, शरीर में बहुत सारे दाग हों, बहुत सारे धब्बे हों, तो इसके पीछे मुख्य रूप से 3 ग्रह होते हैं। एक होता है बृहस्पति, दूसरा होता है सूर्य और तीसरा होता है मरकरी यानी बुध। बृहस्पति की वजह से डाइजेशन खराब होता है, आंतों में दिक्कत होती है और इसकी वजह से शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं। सूर्य की वजह से शरीर में मेलानिन की मात्रा बिगड़ जाती है और शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं। बुध की वजह से स्किन इन्फेक्शन होता है, त्वचा में संक्रमण होता है और इस वजह से दाग धब्बे पैदा हो जाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे खाली पेट नीम के मुलायम पत्ते ग्रहण करिए, और आजकल तो नीम के पत्तों की गोलियां आती हैं, रोज सुबह खाली पेट उसको खाइए। खट्टी चीजें, मूंगफली और चीनी कम खाइए अगर ये प्रॉब्लम है तो। सूर्य देव के सामने बैठ करके रोज सवेरे ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करिए,
तांबे के गिलास से पानी पीजिए, रात भर तांबे के जग में या गिलास में पानी भर के रखिए और सुबह उठ करके खाली पेट बासी मुंह इस पानी को पीजिए। आपको स्किन की समस्या में या शरीर पे दाग धब्बे की जो समस्या है उसमें लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जब आंखों से पानी गिरता है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि आईसाइट कमज़ोर है, इस वजह से आंखों से पानी गिर रहा है। लेकिन बहुत बार चेकअप कराने पे पता चलता है कि आईसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आंखों से पानी गिर रहा है। आम तौर पर आंखों के खराब होने से पानी गिरता है, लेकिन बहुत बार बिना वजह के भी आंखों से पानी गिरता रहता है। इसके पीछे जिन ग्रहों की भूमिका होती है वो होते हैं सूर्य और शुक्र। सूर्य शुक्र कुंडली में एक साथ हो आईसाइट कमजोर तो होगी ही, और अगर आईसाइट कमजोर नहीं होगी तो आंखों से पानी गिरेगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो सुबह ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए आंखें खोल करके, और जो नाक का अगला हिस्सा है, जो टिप है आपके नोज की, इसको दोनों आंखों से देखने का प्रयास करिए। यह आंखों की एक एक्सरसाइज है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सप्ताह में एक दिन या दो दिन सर में नारियल के तेल से मालिश करवाइए। इससे आपकी आंखों से जो पानी गिरने की समस्या है वो समस्या समाप्त हो जाएगी।